दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि HEG लिमिटेड का बाय बैक ऑफर आ चुका है। हालांकि ऑफर तो पहले आया था, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड डेट भी आ गया है। तो इसमें आपको किस तरह से एक्शन लेना, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले तो मैं बताऊँगा कि जो बाय बैक ऑफर आया है उसका डिटेल्स क्या है, लॉट साइज़ क्या है, प्राइसिंग क्या है, और भी डिटेल बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा, कितना एक्सेप्ट होगा, तो आज एक्सेप्टेंस रेशियो पे भी बात करेंगे। फिर इसका बाइंग प्राइस क्या होगा, अगर आपको बाई करना है तो इसमें आप किस प्राइस पे आपको बाई करना है, आपको किस प्राइस पे सेल करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सके, और इसमें आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। फिर इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है, और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी है मैं आपको दूंगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो बाय बैक ऑफर है वो क्या है, उसका डिटेल क्या है। तो पहले आपको मैं बता दूं, HEG लिमिटेड का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ का है, जैसा कि आप जानते होंगे। आज के पास जो टोटल शेयर्स है, टोटल नंबर्स ऑफ शेयर है कंपनी का, वो है 3.9 करोड़, मतलब 3,99,59,142 शेयर्स हैं टोटल शेयर्स। और जिसमें से बाई बैक जो शेयर का ऑफर आया है, तो जो टोटल शेयर बाई बैक कभी करेंगे वो होगा 13,63,636, जिसका कि टोटल कॉस्ट होगा 750 करोड़ रुपीज़। तो ये जो बाई बैक करें, जो एक्चुअल जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है उसका 3.41% वो शेयर को बाई बैक कर रहे हैं। और बाई बैक का प्राइस क्या होगा, बाई बैक का प्राइस होगा 5,500 रुपीज़। और इसमें जो एक जो भी बात ये बता दो, तो कि जो बाई बैक ऑफर आया है इसमें प्रमोटर्स और प्रमोटर्स जो ग्रुप हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत सारा जो इसका जो बाई बैक शेयर है उस प्रमोटर्स ग्रुप भी बाई करेंगे इसमें, और जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 15% रिजर्व रखा गया है। और बाई बैक का जो टाइप होगा वो होगा टेंडर ऑफर होगा। और इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो 9 फरवरी है, मतलब कि आपका जो एक्स डेट होगा 7 फरवरी होगा। मतलब ये कि आप भी जो भी शेयर खरीदेंगे वो आपको 6 तक खरीदना पड़ेगा। जब आप 6 फरवरी तक आप जो भी शेयर खरीदेंगे उसको आप टेंडर कर सकते हैं। और इसका जो ओपनिंग डेट होगा, क्लोजिंग डेट होगा बाई बैक का, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस होना बाकी है। चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो का, जिसका कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्विटर पर। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बाई बैक का जो नंबर ऑफ शेयर है जिसका चर्चा मैंने पहले भी किया है वो है 13,63,636, और जो रिजर्व है रिटेलर्स के लिए वो है 15%। 15% मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ शेयर रिजर्व है रिटेलर के लिए वो है 2,04,545 शेयर्स। अब हमें देखना है कि रिटेलर्स के पास कितने शेयर्स हैं, अगर ये मालूम होगा तो हम एक्सेप्टेंस रेशियो निकाल सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास डेटा है, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, वो है 31 दिसंबर 2018 का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि आपको BSE के साइट पे मिल जाएगा। उसके हिसाब से अगर देखें तो 31 दिसंबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके हिसाब से देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं रिटेलर के पास वो था 49,32,000 शेयर थे रिटेलर के पास 31 दिसंबर तक। और अभी बहुत सारे लोग इसका एडवांटेज लेने के लिए, जो ये बाई बैक ऑफर है इसका एडवांटेज लेने के लिए अभी बहुत सारे लोग न्यू परचेज करेंगे, और कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उससे पहले। तो जो रिकॉर्ड डेट होगा उस समय जो टोटल शेयर होल्डिंग होगा उसमें देखना होगा कि रिटेलर के पास कितना है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ 49 लाख जो 31 दिसंबर तक था, ये इसका फिगर जो है आगे पीछे थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर उसको अगर एक बेसलाइन बना लें तो उससे अगर एक्सेप्टेंस रेशियो हम निकालते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व है शेयर 2,04,000, और उसमें अगर डिवाइड कर दें आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर जो रिटेलर के पास है 49 लाख से, तो एक्सेप्टेंस रेशियो आता है 4.15%। लेकिन इसमें थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सारे लोग बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर इसको कंसिडर किया जाए तो आप एक एवरेज एक्सेप्टेंस रेशियो ले सकते हैं कि ये 5 से 10% हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए मैंने 10% का अगर लेता हूँ, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 10% होता है तो आपको क्या होगा कि अगर आज का प्राइस से अगर आप खरीदते हैं HEG का लिमिटेड का शेयर, हो सकता है कि ये कल मार्केट खुलने के बाद ये अपर सर्किट पर जाए, 10% ऊपर जाए, तो आपको शेयर 2400 में भी बाई करना पड़ सकता है। तो अगर आप 2400 में 10 शेयर खरीदते हैं तो 10 में से एक शेयर आप ही टेंडर कर सकते हैं बाई बैक के लिए। तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा एक शेयर पे 3100 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो बाई बैक का जो प्राइस है वो है 5,500 रुपीज़।
तो आपको उसमें आपको 3100 प्रॉफिट हो रहा है 10 शेयर में, मतलब एक शेयर पे 310 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कैलकुलेट करें कि 10 शेयर्स में आप जितने पैसे अभी लगा रहे हैं 2400 के हिसाब से, उस पर आपको 3100 रुपया फ़ायदा हो रहा है, मतलब 13% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये फिगर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, मैं एक एवरेज कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो एक्सेप्टेंस रेशियो मैंने जो कैलकुलेट किया है, मैं जूम कर रहा हूँ कि आपको अराउंड 10% होगा। तो आप देखिए इसमें हमें अगर बाई करना, अगर न्यू बाई करना है, बाई बैक का एडवांटेज लेने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, किस प्राइस पर बाई करना होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो नंबर ऑफ शेयर्स रिटेलर्स के पास होंगे, वो जो एक्स डेट होगा, 7th एक्स डेट होगा, तो उससे पहले मतलब 6 फरवरी तक जो शेयर आप खरीदेंगे एज ए रिटेलर, तो उसमें उसके हिसाब से आप जो टोटल होल्डिंग होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारे रिटेलर्स हैं जो कि बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इस सबको देखते हुए जो मैंने एक ज़ूम किया कि 10% एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, तो उसके हिसाब से अगर आपको 13% का प्रॉफिट मिलता है, मतलब कि अगर आपका जो बाइंग प्राइस है वो 13% से नीचे है, 2700 से नीचे है, तो आप शेयर को खरीद सकते हैं, आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, क्या आपको बाई बैक तक वेट करना चाहिए या उससे पहले प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने एज्यूम किया है कि आपको 13% का प्रॉफिट होगा, यानी 2700 से 3000 के आसपास अगर शेयर आता है एक दो दिन में, जल्दी बढ़ेगा भी शेयर का प्राइस, तो आप वहाँ पे पार्शियल बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या पूरा प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। क्योंकि अगर 10-15% भी निकलता है तो आप बहुत सारे लोग यहाँ भी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ आपका एक्शन प्लान क्या होगा। अब एक्शन प्लान जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको अगर न्यू बाई करना है तो 2700 से पहले आपको बाई करना है, और आपको जो बुक प्रॉफिट बुक करना है तो या तो आप 10% के प्रॉफिट के लिए आप काम कर सकते हैं 3000 या 3000 से थोड़ा ऊपर जाता है अगर 6 तारीख के पहले, तो उस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा वेट कीजिए और बाई बैक में पार्टिसिपेट कीजिए, तो भी आपको 13% का प्रॉफिट मिल जाता है अगर आप 2700 के नीचे बाई करते हैं तो। अब इसमें देखिए एक सबसे बड़ा सावधानी क्या बरतना है, या रिस्क फैक्टर कह लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ग्रुप के जो लोग हैं, वो भी इसमें बाई बैक में हिस्सा लेंगे। तो होगा क्या कि अगर आपके पास 2 लाख से कम का शेयर है तो आप रिटेलर में काउंट होंगे, और अगर 2 लाख से ज़्यादा का शेयर है आपके पास, तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिटेलर से बाहर नॉर्मल स्टॉक ट्रेडर की तरह अगर आप बाई बैक में हिस्सा लेते हैं, तो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो और कम हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर ही बहुत सारे शेयर्स खरीद लेंगे, तो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो और कम हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपका जो टोटल होल्डिंग है वो 6 फरवरी तक, मतलब जो एक्स डेट होगा 7 फरवरी, उससे पहले अगर टोटल होल्डिंग 2 लाख से कम है तो आप रिटेलर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जहां आपको 10-15% प्रॉफिट मिल सकता है, और अगर 2 लाख से ज़्यादा होल्डिंग है तो आपको नॉर्मल बाई बैक में पार्टिसिपेट करना होगा, जहाँ के एक्सेप्टेंस रेशियो और कम हो सकता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 10 शेयर खरीदा, उसमें से एक शेयर आपने पार्टिसिपेट किया, आपने टेंडर किया बाई बैक के लिए, जो रिमेनिंग 9 शेयर्स होंगे, जो 90% रिमेनिंग शेयर्स होंगे, उसका आप क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बाई बैक ऑफर आएगा तो बाई बैक के बाद बहुत सारे लोग इसमें बाई बैक में चले जाएंगे, जो बचे हुए शेयर है वो बेचना स्टार्ट करेंगे। तो जब बहुत सारे लोग शेयर को बेचना स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने अभी खरीदा है या अभी खरीद रहे हैं बाई बैक के लिए, वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो नेचुरली इसका प्राइस नीचे आ जाएगा। तो जब प्राइस इसका नीचे आएगा तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ आपको सावधानी बरतना है, अगर आपको 10-15% अगर प्रॉफिट लेना और अभी खरीद रहे हैं, तो अभी आप जैसे 10-15% मिले आपको बाई बैक के लिए वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आपने बहुत कम प्राइस पर खरीदा, 2400 पर खरीद लिया है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो 5 ट्रेडिंग सेशन बचा है उसमें इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ेगा। बाई बैक के बाद अगर प्राइस गिरता भी है तो इतना नीचे नहीं आएगा, 2400 तक तो नहीं आना चाहिए, 3000 से थोड़ा नीचे आ सकता है। तो आपको ये सावधानी बरतना है, आपको इसको देखते हुए आपको एक्शन लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कि शेयर में ट्रेडिंग करते हैं,
उनको आप इस शेयर इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें, वो भी कैलकुलेट कर सकें एक्सेप्टेंस रेशियो। आँख बंद करके कई लोग ऐसे होते हैं कि आँख बंद करके जैसे ही बाय बैक आता है खरीदना स्टार्ट करते हैं और बाय बैक के बाद उनके लॉस होने लगता है। तो आप सबको शेयर कीजिए ताकि सब लोग समझ सके कि कैलकुलेशन कैसे होता है इसका एक्सेप्टेंस रेशियो का और कब फ़ायदा हो सकता है कब लॉस हो सकता है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आपको इस तरह का वीडियो आपको टाइम पर नहीं मिल पाएगा और आप अच्छा प्रॉफिट जो हो सकता है उसका चांस मिस कर जाएंगे। वीडियो राइट टाइम पर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ही चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। आपको आइए वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।